नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इन 24 घंटे में आपके जीवन में होगा एक जबरदस्त परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि पूरे 11 साल बाद में बढ़ रही है बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, आपके राशि वालों का भाग्य उदय होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलने वाली है बहुत ही बड़ी खुशखबरी, और इस बात को दोस्तों आप लिख कर रख सकते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को ये बात बता दें कि ढोल भी बजेगा और मिठाई भी बटने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए ये समय बहुत बड़ा रहने वाला है। आपके लिए ये समय बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आएगा। दोस्तों, अब हो जाइए तैयार, क्योंकि धन की देवी माता रानी लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप सभी को मिलने वाली हैं बहुत बड़ी खुशखबरियां। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर आए हैं, इसलिए अब आपको होना होगा तैयार, क्योंकि धन की देवी माता रानी भी अब आप लोगों के साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखने की कृपा करें, ताकि आपके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आप तक ना पहुंच पाए। तो दोस्तों, चलिए अब बिना देरी किए हम बात करेंगे आपके दैनिक राशि फल के बारे में। देखिए दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसे लोगों का सामना हो सकता है जो मतलब निकलते ही आप लोगों को भूल जाने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों ये लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल मतलब का जीवन ही व्यतीत करते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अब आप सभी को हम बताते हैं आज का राशिफल के बारे में। दोस्तों, बजरंग बली के आशीर्वाद से आप सभी को मिलने वाली हैं बहुत बड़ी खुशखबरियां। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को ये बात बताना चाहेंगे कि जीवन जीने का असली मज़ा अब आप लोगों को मिलने वाला है। किसे कहते हैं जीवन का असली सुख, वह अब आप लोगों को मालूम होने वाला है। दोस्तों, आपके रास्ते में जो भी प्रकार के बड़ी मुसीबतें थीं, बड़ी दुख तकलीफें थीं, सभी प्रकार की परेशानी अब आपकी जड़ से खत्म होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों को भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। दोस्तों, जिन भी कार्य में आप लोगों को अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही थी, बनते बनते कार्य पूरे होते होते बीच में ही अटक जा रहे थे। दोस्तों, किसी भी परेशानी की वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। दोस्तों, अब इन सभी प्रकार की समस्याओं से देवों के देव महादेव की कृपा से भी आप लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप किस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को कुछ कार्य करने की आवश्यकता रहने वाली है। कुछ चीज़ें आपको बिना सोचे समझे कार्य करने के लिए भी कुछ उकसा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही समय है जब आप लोगों को सब कुछ अपने नियंत्रण में रख करके काम करने की आवश्यकता रहेगी। अपने बच्चों या फिर छोटे भाई बहनों के लिए सुरक्षात्मक रवैया आपको अपनाना होगा, यह आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, आप बहुत ही अच्छी तरह से सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने वाले हैं, और यहाँ पर दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा स्वागत भी होने वाला है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आज आप बहुत ही अच्छी सेहत का आनंद उठा पाएंगे, क्योंकि सेहत आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है। आज आपको अन्य परिजनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपको उसमें भी सभी को छोटे मोटे तकलीफें होने पर आप लोगों को बता दें कि छोटी मोटी दोस्तों कुछ तकलीफें लोगों को हो सकती हैं, इसमें आपको थोड़ी धगबार रखनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप लोगों को यह भी समझना चाहिए कि आपकी शारीरिक सेहत तो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन दोस्तों मानसिक स्थिति भी आप लोगों को थोड़े से संभल कर रखनी चाहिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से कुछ दूसरों के लिए आप लोग समय अपना व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अब आप लोगों को समय पर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके साथ ही प्यार की सभी बाधाएं गलतफहमियों को जल्द ही दूर करने वाली है, ये आप लोगों के लिए काफी बेहतर रहेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा अपने लिए भी समय निकालें दोस्तों, तभी आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे सफल कर सकते हैं। दोस्तों, आप मकान या फिर प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें भी आप लोगों को काफी हद तक लाभ होगा, ये भी इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, जो पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्य थे, वह भी अब आप लोगों के पूर्ण होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को ये भी बता दें कि इस समय में आपकी तरक्की देखने के बाद में, आपको सफलताओं की तरफ देखने के बाद, जो आपके दुश्मन हैं
वह भी आपसे जल सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप सभी को बता दे, उन दुश्मनों का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। बेझिझक आप आगे बढ़िए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को ये बात भी बताना चाहेंगे, इस समय में आप लोग जितना संभव हो सके गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद करें। जितना आपसे बने, कुछ ना कुछ तो आप जरूर करें, अन्य धन वस्त्र जो भी आपका बनता है। इसके साथ ही साथ आप सभी को भी बताना चाहेंगे, ये वह समय होने वाला है दोस्तों, इस समय आप लोगों को अपने कार्य पर ध्यान देना है। कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे और दोस्तों आपको अवश्य से ही सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, किसी सराहनीय कार्य की वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कोई ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जिसमें मान सम्मान में आपकी प्रशंसा होने वाली है। युवा वर्ग बहुत समय से अपने करियर को लेकर के संघर्षरत थे, तो उन्हें भी कोई बड़ी खुशखबरियां प्राप्त हो सकती हैं। दोस्तों, नौकरी से संबंधित या फिर पढ़ाई से संबंधित भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार प्राप्ति के कुछ खास अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, जो भी अवसर आप लोगों को प्राप्त हो, उसे हाथ से मत निकलने देना। दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ना होगा, सफलता अवश्य से मिलेगी। और इसके साथ ही साथ आप सभी को ये भी बताना चाहेंगे दोस्तों, कि इस समय अंतराल में आप अपने कार्य को अच्छी तरह से करने की कोशिश करें। जो भी कार्य करें, उसे आप अपने तक ही सीमित रखें। दोस्तों, गुप्त तरीके से ही कोई भी कार्य आप करें, किसी के सामने ज़्यादा जाहिर ना करें कि आप क्या करना चाहते हैं दोस्तों, अन्यथा आप लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। समय तो आप लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन बिना किसी को बताए चुपचाप तरीके से कार्य को शुरू करें। मतलब दोस्तों, किसी को भी आपको नहीं बताना है कि आप क्या करने वाले हैं, नहीं तो दोस्तों ये लोग आपके सीक्रेट लीक्स कर सकते हैं और कोई इसका लाभ भी उठा सकता है। दोस्तों, अच्छा समय रहेगा, जो भी कार्य करेंगे सफलता तो मिलेगी, किसी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आप आगे बढ़े, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय में आप सफलताओं के झंडे गाड़ने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को यह भी बता दें कि हमने पहले भी आप लोगों को आगाह किया है कि कोई भी, यदि दोस्तों कोई भी कार्य आप करते हैं, उसे बहुत ही गुप्त तरीके से मन में सरलता का भाव रखना है, प्रशंसा का भाव रखना है। क्रोधित बिल्कुल भी होने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा यही आपके विनाश का कारण बन सकता है। बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होना है, वाणी पर मधुरता बनाकर रखने की आवश्यकता रहने वाली है, सफलता आपको अवश्य से मिलेगी। नहीं तो दोस्तों, आपका गलत व्यवहार आपके बने बनाए कामों को बिगाड़ सकता है और यही आपकी कमजोरी है। इस बात को दोस्तों आप अवश्य से ध्यान केंद्रित करें कि आप लोगों को गलत अपशब्द या फिर गलत बातें नहीं बोलनी है। उसके साथ ही साथ यह भी बताना चाहेंगे दोस्तों, कि यदि आप किसी को पैसा देने के बारे में सोच रहे हैं इस समय में, तो दोस्तों पैसे का लेन देन करते समय थोड़ी सावधानी आप लोगों को बरतनी बेहद आवश्यक है। दोस्तों, यह निश्चित कर लेना है कि यह पैसा आप लोगों को आखिरकार कब मिलने वाला है। वैसे तो दोस्तों, कोशिश करें आप किसी को भी पैसा उधार ना ही दें, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। यदि मजबूरी पड़ जाएगी, देना पड़े, लेकिन कोशिश करें कि ना ही दे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। थोड़ा सोच समझ कर वे करें। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा संबंधित कोई भी दोस्तों आप अवहेलना बिल्कुल भी ना करें उनकी सेवा के प्रति। बड़े बुजुर्गों की सेवा का भाव मन में अवश्य से रखना है, उनकी अवहेलना ना करें। दोस्तों, कुल मिला के दिन अच्छा रहने वाला है, जिद्दी स्वभाव को थोड़ा नियंत्रण करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।